हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग है होली से रिलेटेड। आप सबको पता है गाइस कि भारत में होली का त्यौहार कितने धूमधाम से मनाया जाता है, और आप इसका अंदाज़ा होली से 8-10 दिन पहले नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होलियों की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो जाती है। और गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए सदर में इस वक्त आज 3 तारीख है, 3 तारीख से पहले देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, रश है गाइस, और होली का सामान कितने भारी तादाद में मिल रहा है यहाँ पे रंग मिल रहे हैं। ये देखिए गाइस, होली के गुब्बारे मिल रहे हैं और गुलाल मिल रहा है, टी शर्ट मिल रही हैं, बड़ी बड़ी पिचकारियाँ मिल रही हैं, छोटी बड़ी पिचकारी हर तरह की पिचकारी मिल रही है। गाइस, यहाँ गुलाल मिल रहे हैं 4-5 रुपये से पैकेट से स्टार्ट हैं, और पेटी में अगर आप लेते हैं 100 पीस तो 450-450 रुपये में पेटी मिल जा रही है। ये देखिए पिचकारियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, जो कि आपको 55-50 रुपये, छोटी बड़ी हर तरह की अलग अलग रेट की पिचकारियाँ हैं। कैसे गुब्बारे मिल रहे हैं 4-3 रुपये पीस से, अगर आप होलसेल ले आते हैं। ये देखिए पिचकारी मिल रही है 55 रुपये स्टार्ट है, 150 रुपये तक की पिचकारियाँ यहाँ पर अलग अलग रेट है, देख सकते हैं होलसेल की मार्केट है। गुब्बारे मिल रहे हैं यहाँ पे, गुजिया वगैरह बनाने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे, 3-2 हज़ार रुपये की बड़ी पिचकारी मिल रही है, 150-200 रुपये अलग अलग रेट है। गाइस, आज के ब्लॉग में यही होने वाला है कि होली का त्यौहार आने वाला है भारतवर्ष में, तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रश यहाँ पर रहता है, इधर रश जाता है यहाँ पे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, छोटी सी वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे मिलेगा, सीख भी जाएंगे। गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।